मध्य प्रदेश की खंडवा जिले के धनगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पलासी गांव में 16 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने युवक को इतना मारा कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो कि इंदौर के अंदर इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर गांव में लगते ही गांव में मातम छा गया, तनाव बढ़ गया। वही सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि मारपीट के आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं। शंकर गुर्जर और उनके दो दामाद पर लगे हैं। धनगांव थाना पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया गया। युवक का शव आज शाम तक इंदौर से उनके गांव पहुंचेगा। खंडवा एसपी मनोज राय ने बताया कि 16 जून को पलासी गांव में गुर्जर समाज के दो परिवारों के बीच विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष की ओर से तीन लोगों घायल हो गए थे, जिसमें एक थाना धनगांव अपराध दर्ज किया गया था। इस घटना में एक नाबालिग जो कि बचाव करने के लिए आया था, उसके सिर पर चोट आने के कारण इंदौर रेफर किया गया था। इंदौर में उसकी मौत हो गई। खंडवा पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिनांक 16 जून को ग्राम पलासी में गुर्जर समाज के दो परिवारों के बीच में विवाद हुआ था। उसमें एक पक्ष के तीन लोग घायल हुए थे, जिन पर से थाना धनगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें अंकित नाम का एक लड़का था, जो बीच बचाव करने उस घटनाक्रम में आया था। उसके सर में डंडे से चोट आई थी और दो दिन बाद वो इलाज के दौरान इंदौर में कल शाम को उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर से धारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी आई है, ये पता चला है कि आरोपी शंकर की लड़की के गांव में ही एक व्यक्ति लड़के से प्रेम संबंध थे, उस पर से कल 16 को विवाद हुआ था। और उस विवाद में बीच बचाव करने गए गांव के ही जितेंद्र, धर्मेंद्र और अंकित तीन लड़कों के साथ भी आरोपी शंकर और उसके दो दामाद खुशाल और प्रवीण ने मारपीट करी। इस घटनाक्रम में देर रात में तीनों आरोपियों को पुलिस ने भीकन गांव और इंदौर से हिरासत में ले लिया, पूछताछ करके उनको गिरफ्तार किया।